तूफानी बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर हरमनप्रीत कौर की नाबाद 171 रन की पारी की बदौलत भारतीय टीम ने आज यहां आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने दूसरी बार महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में स्थान बनाया है। इससे पहले वे 2005 में फाइनल में पहुंची थी। हरमनप्रीत की 20 चौकों और 7 छक्कों से सजी शतकीय पारी की बदौलत भारतीय टीम ने निर्धारित 42 ओवर में 4 विकेट पर 281 रन बनाए। बता दें कि जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम 41 ओवर में 245 रन बनाकर आउट हो गई। मैच के दौरान एक समय वे हाया जब उन्होंने पहले तो कप्तान मिताली राज के साथ शानदार साझेदारी कर टीम को आगे बढ़ाया। इसके बाद दीप्ति शर्मा उनके साथ आ गईं। जब वह 98 के स्कोर पर थीं तो वे 2 रनों के लिए दौड़ी, लेकिन दीप्ति 2 रन लेने में झिझक रही थीं। परंतु हरमन के दबाव में उन्हें दौड़ना पड़ा। इसके बाद हरमनप्रीत कौर दीप्ति पर काफी नाराज हो गई थीं। हालांकि इसके बाद दोनों के बीच अच्छी बातचीत हो गई। उल्लेखनीय है कि भारत के हरमनप्रीत कौर ने अपने नाम कई रिकॉर्ड कायम करने में सफल हुए हैं। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत रन बनाने के मामले में हरमनप्रीत पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के कारेन रोल्टन के नाम था।